स्वागत है आपका हमारे चैनल समाचार भारतवर्ष पर। खबर इस वक्त कानपुर से, जहां उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल में आज रात हंगामा। एक महिला की मृत्यु होने पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर क्षेत्राधिकारी सहित कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद। कानपुर से हमारे संवाददाता अंकित तिवारी की रिपोर्ट। ये पूरा प्रकरण ये हम लोग को भी जानकारी में आया है कि ये सर्वोदय हॉस्पिटल में जो है एक महिला शिवकांति जिसका नाम है सचेंडी थाने की निवासी है, उस वो जो है दांत के उपचार के हेतु यहाँ पे आई थी। उसका उपचार हुआ और फिर अचानक उपचार के दौरान ही उसकी तबीयत बहुत गंभीर हो गई, जिसके द्वारा हॉस्पिटल उसको भेजा गया, यहाँ से रेफर करके मेदांता भेजा गया, जहाँ पर मेदांता में जो एग्जामिन करके उसकी मृत्यु घोषित की गई। परिजन उसके जो है पति के द्वारा जो है एक तहरीर दी गई है, जिसको हम लोगों ने थाने में भेज दिया है, जो है उसमें कार्रवाई करा रहे हैं और मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। हमारा नाम रामकेश है, बिलौर गांव के रहने वाले हैं। थोड़ा दांत में दर्द था, वाइफ के में शिवकांति, उनकी वाइफ हमारी वाइफ के दांत में दर्द था, तो यहाँ आए। एक जगह और गए थे रनिया डॉक्टर के पास, सचान करके है रनिया में, इलाहाबाद बैंक से बाएँ घुसना पड़ता है, तो वहाँ पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं वो। तो उन्होंने हमको यहाँ का एड्रेस दिया, बोले यहाँ चले जाओ, अपना इलाज करवाओ जाके, और जो बात हो तो हमसे करवा दे रहना। तो हमने कहा ठीक है। कल ये लोग आ गए यहाँ, हमने इनको भेज दिया, हमने कहा जाओ और जाके देखो जाके। तो आए, इन्होंने कहा आज नहीं कल होगा, बोले अभी डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर के आते आते आज शाम को 4 बज गया, 2 बजे का ऑपरेशन था, 4 बज गया। मतलब इसके बाद जब डॉक्टर आया तो आते ही आते हम लोग भी यहाँ गए थे, ना किसी ने हमसे ये कहा कि यहाँ साइन करो, इनका ऑपरेशन होना है कि दांत निकालना है कि कोई देखो चल के, कुछ ना कुछ तो कोई बोल सकता है ना, कोई नहीं बोला। तो हम लोग बैठे रहे, इन्होंने दांत के ऑपरेशन में बताओ इंजेक्शन यहाँ लगाने की जरूरत क्या होती है सीने में, पहले हमको ही बताओ। और फिर दूसरी बात, अगर कोई दिक्कत होती दांत उखाड़ने तो माइंड में आनी चाहिए, ओंठ काले होने का मतलब क्या होता है, इस इंजेक्शन में जहर है या दवा है। ये इस डॉक्टर के पास डिग्री के बिना डिग्री का है, ये क्या मिस्कुर पकड़ता रहा पहले, ये अनुराग मिश्रा। हाँ, हाँ पुलिस कार्रवाई हो रही है, वो भी जा रही है। हाँ, प्रार्थना पत्र हमने दे दिया है, अब देखो आगे क्या होता है, जैसा प्रशासन करेगा आप लोग करोगे, क्योंकि हमको इसका समझौता चाहिए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ किसके आगे जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ बच्चे रहेंगे, हम क्या करेंगे। हम भी गरीब आदमी हैं, लेबरी करते हैं, लेबरी कर करके पता नहीं कैसे कहाँ से पैसा जमा किया, क्या किया, 50,000 तो हमने जमा कर दिया था, अब आगे की और डिमांड है तो हमने कहा आगे आगे जमा कर देंगे।